नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के सुजायत में आज बीजेपी के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अनिल राजभर और उपेंद्र तिवारी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नवनिर्माण मूर्ति का अनावरण किया गया, जहाँ कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अनिल राजभर ने मंच से खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव में दम हो, अगर मायावती में हिम्मत हो तो बहराइच की धरती पर जाकर महाराजा सुहेलदेव के गर्दन में सम्मान का एक माला पहनाकर दिखा दे। महाराजा सुहेलदेव को एक माला तक नहीं पहना सकते। जो नेता आपके महापुरुष को माला नहीं पहना सकता, वो आपका भला कैसे कर सकता है। वही ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो लोग भी नहीं किए जो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर रोटी सेकने का काम किया है, तो वही तमाम पार्टियों को भी नहीं बख्शा और कहा कि अभी अनिल राजभर को लड़का कहते हैं, वही माँ बहनों आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि अभी छोटा एक ग्रहण लगा हुआ है, अब वह ग्रहण आने वाला है, समय में छत जाएगा, ग्रहण की उम्र कितनी होगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के रोके जाने पर कहा कि उदंडता उन लोगों के स्वभाव में, स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। प्रयागराज काफी सेंसिटिव है। अभी कुछ दिन पहले एक छात्र नेता की हत्या भी हुई थी और बिना परमिशन के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अनिल राजभर को तो अभी आप लोग लड़का कहते हैं और माँ बहनों आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, अभी छोटी से छोटा सा एक ग्रहण लगा हुआ है, अब वो ग्रहण आने वाले दिनों में छट जाएगा, ग्रहण की उम्र कितनी होती है, अब और मुलायम सिंह में दम हो, अगर मायावती को हिम्मत हो तो बहराइच की धरती पर जाकर महाराजा सुहेलदेव की गर्दन में सम्मान का एक माला पहनाकर दिखा दे। नहीं दिखा सकते, वहाँ पे परमिशन नहीं था, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। उदंडता उन लोगों उदंडता के स्वभाव में है, कैसे जाएंगे, स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। आप सब लोग सम्मानित बुद्धिजीवी मीडिया जगत के लोग हैं, आप सभी लोगों के भी संपर्क हैं। आज प्रयागराज कितना सेंसिटिव है किसी से छुपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक छात्र नेता की वहाँ हत्या हुई और बिना परमिशन के वहाँ पर जाना ये कहाँ की नैतिकता है, और बिना परमिशन के जाकर तो सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगी क्या? वहाँ कोई बात हो जाएगी तो फिर सरकार पर कोई आरोप लगाएगा? सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, बिना परमिशन का उत्तर प्रदेश में किसी को भी कार्यक्रम करने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबी इंडिया न्यूज, बलिया।